नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में। आज दिनांक 12 अप्रैल 2023 और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं विद डिटेल्स, ताकि आपको उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे, जैसे कि आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से लेकर T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने वाले क्रिकेटर तक। तो चले जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। आप इस परियोजना के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न दो है, हाल ही में जारी टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या कितनी हो गई है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, 3167। आप इस रिपोर्ट के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न तीन, हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, आम आदमी पार्टी को। प्रश्न चार है, किस राज्य सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न पाँच, 12 अप्रैल 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रश्न छः, किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? इसका उत्तर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न सात है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, राशिद खान ने। आप इनका तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। प्रश्न आठ है, अपोलो की वार्षिक हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2022 के बीच भारतीयों में मोटापे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, 50% की वृद्धि। आप इस रिपोर्ट के बारे में इत्यादि जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नौ है, किस शहर में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है या बनाया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन ए, महाराजगंज में। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे, एक छोटा सा कमेंट कर दे और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। प्रश्न 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 है, किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस में पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी, भारत बायोटेक ने। आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी राइट हैंड साइड से प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमसे इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू एंड बाय बाय।